हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन फैक्ट्री पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली कोई भी एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने सीखा कि प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट होता है ये, तो उसके हमने सारे पार्ट्स जो पांचों के पांचों पार्ट्स हम सीख चुके थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बारी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के चारों पांचों पार्ट्स जो हैं इन्हें सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों दे रखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। तो दोस्तों आइए नीचे देखते हैं क्या इसकी पहचान है। पहचान यहाँ पे देखो दोस्तों, पहचान हमें इसके सामने दे रखी है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आएंगे तो हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन कंटीन्यूअस। ओके, रहा रही वाले कंटीन्यूअस में आते हैं, यानी कि अपूर्ण कार्य वाले, यानी कि कार्य चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी कार्य प्रगति पर है। ठीक है, तो दोस्तों आप एक देखो, एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे वह खाना खा रहा है, लास्ट में आ गया रहा है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो आइए रूल्स देखते हैं। इसके जो मेजर रूल्स हैं वो यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, पांचों के पांचों, जैसे आपको पिछले इंडेफिनिट में भी दिए गए थे, यहाँ पे पांचों के पांचों के दे रखे हैं। तो अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव का रूल जो होता है इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो इज एम आर का यूज जो होता है वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। राइट साइड में देखिए टेबल में, हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की इज एम आर होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सिंगुलर के साथ लगेगा इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा और आई के साथ लगेगा एम। ओके दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। तो हमारा अफर्मेटिव का रूल ये था। अब नेगेटिव का देख लीजिए। नेगेटिव का रूल जो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम ऊपर की तरह है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या होता है? इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारे शुरू में आ जाती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में बचता है हमारा क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब इंटरोगेटिव के नेगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव के नेगेटिव में क्या होता है? प्रश्न तो पूछा जाता है लेकिन नकारात्मक रूप से। तो इसमें आइए देखिए दोस्तों, इज एम आर शुरू में आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरोगेटिव की तरह सेम है, बस इसमें क्या होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब आते हैं डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंसेज के रूल पर। तो डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंसेज का रूल क्या होता है? शुरू में आता है डब्ल्यू एच वर्ड्स, ठीक है, फिर आता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ को याद रखिएगा, इन रूल्स को नोट कर लो अगर आपके पास नोटबुक है, या तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आइए दोस्तों वन बाय वन इन्हें सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज का। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है कि सिंपल होते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो इसका रूल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे रूल एक बार और दे रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो आइए ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है वह खाना खा रहा है, रहा है से पता लग गया हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और सिंपल है हमारा, कोई भी इसमें अलग से वर्ड्स नहीं दे रखा, कोई भी अलग वर्ड नहीं दे रखा, ना तो नहीं वाला और ना ही क्या वाला इसमें प्रश्न पूछता हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा सिंपल है ये, हमें सीधा सीधा हमें बता रहा है कि वह खाना खा रहा है, इससे हमें पता लग गया सिंपल है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक। तो इसे ट्रांसलेट करने का रूल के बेस पे इसे रख दीजिए। सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, वह के लिए ही लगता है, अगर लड़का है तो रहा है तो लड़का ही खा रहा होगा, अगर लड़की होती तो नहीं आता। ठीक है, वह के लिए ही लग जाएगा। इज लगेगा, इज एम आर में से सिंगुलर के साथ लगता है इज, मैंने बताई थी आपको। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट के साथ आई एन जी लग जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, और बाद में बचा ऑब्जेक्ट, द फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, तो ये सिंगुलर का हमारा बन गया। एक बार प्लूरल बना के देख लेते हैं, तुम मुझे गाली दे रहे हो से पता लग गया हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू प्लूरल है तो हमारे से उसके यू के साथ लगता है आर, आर के साथ लगेगा एब्यूज, क्योंकि गाली देने की वर्ब जो होती है वो होती है एब्यूज, मीनिंग जो होती है एब्यूज होती है, तो एब्यूज के साथ आई एन जी जुड़ जाएगा तो एब्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में बच्चा ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा मी। तो हमारे यहाँ पे अफर्मेटिव जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम नेगेटिव की। तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य,
यानी कि नेगेटिव का नकारात्मक सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है दोस्तों। तो उसका रूल यहाँ पे भी दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इज एमआर के बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो आइए ट्रांसलेट करके देखते हैं इस रूल के बेस पर। तो यहाँ पे आ रखा है वह खाना नहीं खा रहा है, रहा ऐसे पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और नहीं से पता लग गया नकारात्मक है, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, लड़का है इसलिए क्योंकि वह के लिए ही लगता है। ही इज आ गया इसलिए क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, नोट लगना ही है ऊपर रूल के हिसाब से देख लो। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है खाने की, ठीक है। तो आई एन जी लग जाएगा क्योंकि ऊपर रूल में दे रखा है हमें, ठीक है, ईटिंग हो जाएगा ईटिंग, और लास्ट में बच्चा ऑब्जेक्ट द फूड। ओके दोस्तों, ये हमारा बन गया सिंगुलर का। एक बार प्लूरल बना के देख लेते हैं दोस्तों, तुम मुझे गाली नहीं दे रहे हो, ठीक है दोस्तों। रहे हो से पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और नहीं से पता लग गया नकारात्मक है, नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांसलेट करते हैं, तुम के लिए लग जाएगा यू जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ लग जाएगा आर, ठीक है। यू आर हो गया, नोट लगना ही है क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। एब्यूज गाली देने को कहते हैं, इसके साथ आई एन जी जुड़ जाएगा तो एब्यूजिंग हो जाएगा, एब्यूजिंग के साथ मी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा नेगेटिव कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ये बात करते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक, क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका रूल देख लीजिए दोस्तों एक बार और मैं आपको दिखा दूं, इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये तो पता ही होगा इज एमआर कहां पे यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और एम लगता है सिर्फ आई के साथ। ओके दोस्तों, तो आइए ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो हिंदी में हमें दे रखा है क्या वह खाना खा रहा है। दोस्तों क्या वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरोगेटिव का, और क्वेश्चन मार्क भी होता है यानी कि प्रश्न पूछा उसमें, तो ये होते हैं इंटरोगेटिव के। तो यही ट्रांसलेट करके देखते हैं, सबसे पहला आता है रूल के हिसाब से इज एमआर। तो इज एमआर आता है, मैं सब्जेक्ट देख लो एक बार, क्या सब्जेक्ट हमारा वह है, खा रहा है, लड़का है, तो वह के लिए लगता है ही, तो ही हमारे सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा, इज लास्ट दूसरे नंबर पर आता ही क्योंकि वह है। ईट खाने को कहते हैं, आईएनजी लग जाएगा तो ईटिंग हो जाएगा, द फूड हमारा बच्चा सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सिंगुलर हमने ट्रांसलेट करके देख लिया, एक बार प्लूरल बना के देख लेते हैं। तो आएगा क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो, दोस्तों ये सॉरी यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक हो गई है पिछली बार की तरह। तो क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो, ये आता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे रहे हो से पता लग गया हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और शुरू में आ गया क्या, और यहाँ आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। तो आइए बेस पे रखते हैं, यू के साथ आ लगता है, फिर यू लग गया, एब्यूज आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाली देने की होती है, जो आई एन जी जुड़ गया तो एब्यूज हो जाएगा, मी हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आर यू एब्यूजिंग मी, इसका मतलब क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इंटरोगेटिव भी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम इंटरोगेटिव के नेगेटिव की, ठीक है दोस्तों। इंटरोगेटिव के नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक तो है लेकिन नकारात्मक रूप में, ठीक है। इसका भी रूल क्या, सॉरी दोस्तों, इसका जो नियम होता है यानी कि रूल जो होता है सेम होता है इंटरोगेटिव की तरफ, बस इसमें क्या होता है सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न तो पूछता है लेकिन नकारात्मक रूप से। तो आइए दोस्तों ट्रांसलेट करके देखते हैं, क्या वह खाना नहीं खा रहा है, यानी कि प्रश्न भी पूछा लेकिन नकारात्मक रूप में, ठीक है दोस्तों। तो क्या के लिए शुरू में लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से इज एमआर, तो इज हमारा इसलिए लगेगा क्योंकि ही दे रखा है, क्या कि वह लड़का है तो ही के साथ इज, इज ही बताया था मैंने ऊपर दे रखा रूल में, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, तो यहाँ नोट लग जाएगा ईट खाने की होती है मीनिंग, और आई एन जी जुड़ जाएगा तो ईटिंग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। द फूड ऑब्जेक्ट हमारा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बन गया सिंगुलर ट्रांसलेशन हो गया हमारा। आप एक बार प्लूरल करके देख लेते हैं, क्या तुम मुझे गाली नहीं दे रहे हो, यानी दोस्तों क्या तुम मुझे गाली नहीं दे रहे हो, मुझे क्या पता दे रहे हो नहीं दे रहे, मजाक कर रहा, चलो क्या तुम मुझे गाली नहीं दे रहे हो, ठीक है दोस्तों। यू के साथ आर लग गया शुरू में, फिर यू लग जाएगा, नोट सब्जेक्ट के बाद लगता है, एब्यूज गाली देने की मीनिंग होती है, आई एन जी जुड़ जाएगा तो एब्यूजिंग, लास्ट में आ गया मी और क्वेश्चन मार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंसेस की। देखो दोस्तों लेफ्ट साइड में डब्ल्यू एच वर्ड्स मैंने आपको पहले बताए हैं, ठीक है दोस्तों। इन वर्ड्स को जरूर याद रखें क्योंकि काम आते हैं बहुत, क्या पता आपसे कौन कब क्या कहते हैं, जरूर याद रखिए, ठीक है दोस्तों। कभी भी आप मोस्टली जब हम भी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंसेज, डब्ल्यू एच सेंटेंसेज को कहते हैं डब्ल्यू एच परिवार वाक्य, ठीक है दोस्तों। तो इसका रूल जो होता है डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में आता है, फिर इज एमआर आता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रांसलेट करके देखते हैं, वह क्या खा रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या के लिए लगता है व्हाट, ही है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्योंकि शुरू में देखा है वह, तो उसके लिए लगता है इज, ही के लिए लगता है वह, और ईट खाने की होती है मीनिंग, आई एन जी जुड़ जाएगा तो ईटिंग, ठीक है। और इसमें कोई ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क एंड में,
ठीक है दोस्तों, ये सिंगुलर का हो गया ट्रांसलेशन इंग्लिश में। अब ये प्लूरल का करके देख लेते हैं, यहाँ पे रखा है तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो, क्यों के लिए हम लगाएंगे वाई, ठीक है दोस्तों। अब तुम यू है तो यू के साथ लगता है आर, तो आर लग गया, फिर आ गया यू, फिर एब्यूज गाली देने कहते हैं, आई जुड़ जाएगा तो एब्यूजिंग, आई जी जुड़ जाएगा एब्यूज में तो एब्यूजिंग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बाद में आया मी जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड में आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारा प्लूरल जो होता है ये भी ट्रांसलेशन हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो पांचों पार्ट्स होते हैं उनको कैसे पहचाने और कैसे उन्हें ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो इस बात को ध्यान रखें, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई है तो एक बार और देखिए वीडियो और सीखिए कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, हम आपको इसी तरह सिखाते रहेंगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, तो व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।